हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्राइडल का हेयर क्रिम्प करके हेयर को बाउंस कैसे करते हैं। ये मेरी ब्राइडल हैं और इनका हेयर काफ़ी कम था, तो मैंने इनको आगे का हेयर, फ्रंट का हेयर क्रिम्प करके मैंने बाउंस क्रिएट किया है और फिर हेयर स्टाइल बनाया है। ये बिफ़ोर का लुक आप देख रहे हैं और ये आफ्टर लुक है। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हेयर क्रिम्पिंग। ये मेरी ब्राइडल हैं और इनके हेयर, आगे का हेयर, फ्रंट हेयर काफ़ी कम था, वॉल्यूम बहुत कम था, तो मैंने इनका फ्रंट हेयर ईयर टू ईयर सेक्शन लिया है और इनके हेयर को क्रिम्प किया है कुछ इस तरीके से। हेयर क्रिम्पर मैंने यूज़ किया है VNG का, इसका भी मैंने एक वीडियो शेयर कर दिया है ऑलरेडी, आप इसे चेक कर लीजिएगा। और इसका मैंने टेम्परेचर रखा है 240, हाईएस्ट टेम्परेचर है इसका 260, लेकिन मैंने शुरुआत में 240 रखा, बाद में फिर मैंने इंक्रीज़ कर दिया था हेयर के हिसाब से। तो वैसे 240 और 260 में अच्छा हेयर क्रिम्प हो जाता है। तो इस कुछ इस तरीके से मैंने सेक्शन, थोड़ा थोड़ा सेक्शन लिया है और हेयर को मैं क्रिम्प करते जा रही हूँ। ये बहुत जल्दी भी होता है और बहुत अच्छा भी लगता है और उसके बाद लास्ट में बाउंस भी क्रिएट हो जाता है। इसके बाद किसी भी तरह का फ्रंट हेयर स्टाइल करने पे प्रॉब्लम नहीं आती है और बाउंस बना रहता है। इनका हेयर कम था थोड़ा, तो केवल चार सेक्शन में ही, चार छोटे छोटे सेक्शन में ही इनका हेयर क्रिम्प मैंने कर दिया था। किसी का हो सकता है 3 करना पड़े, या हो सकता है 5 करना पड़े, या 6 भी करना पड़े, लेकिन मैंने 4 सेक्शन लिया था और 4 सेक्शन में ही इनका हेयर क्रिम्प अच्छा हो गया था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं हेयर क्रिम्प कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा रूट से भी नहीं लेना है, रूट से लगभग आधे इंच छोड़ के फिर हेयर को क्रिम्प करना है, नहीं तो हीट काफ़ी तेज़ होती है, स्किन पे जल भी सकता है या हीट लग सकती है, तो इसका आप ख्याल रखें। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने हेयर को क्रिम्प कर दिया है। ये एक साइड का है और इसके बाद दूसरे साइड का भी मैं दिखा दूंगी। दोनों क्रिम्प हो चुका है दोनों साइड का और मैंने केवल ईयर टू ईयर सेक्शन ही किया था, पूरे हेयर का पीछे से नहीं किया था। मैंने पीछे से एक जूड़ा बनाया था जो कि ब्राइडल में लगता है। आप देख सकते हैं हेयर को क्रिम्प करने के बाद का ये लुक कितना बाउंस आ गया है, जो कि पहले नहीं था। और अभी मैं हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ इसमें, लेकिन मैंने पूरा वीडियो नहीं बना पाई थी, इसलिए पूरा वीडियो हेयर स्टाइल का मैं इसमें नहीं दे पाऊँगी। अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा वीडियो बना के मैं शेयर करूँ, लेकिन अभी क्रिम्पिंग प्रोसेस मैंने केवल शेयर किया है और ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप देख सकते हैं कितना बाउंस आ गया है, स्किन से कितना ऊपर उठ चुका है इनका हेयर, और अब मैं हेयर स्टाइल दे रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को का बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं और वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर सकूं आपके लिए और कुछ नए ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपसे शेयर करती रहूं। तब तक के लिए बाय बाय।